साहिला में अखिल भारतीय युवा मोर्चा की बैठक आयोजित, कोरोना योद्धाओं को किया सम्मानित। साहिला उपखंड मुख्यालय पर बुधवार को अखिल भारतीय युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव प्रेम सिंह राजपूत की ओर से कोरोना काल में सेवा करने वाले कोरोना योद्धाओं को योद्धा सम्मान प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारतीय युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव प्रेम सिंह राजपूत भावंडा की मौजूदगी में किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान पूर्व सरपंच सुरेश राजपुरोहित, राजपुरोहित नवयुग मंडल के मंगीलाल राजपुरोहित, भाजपा पूर्व मंडल अध्यक्ष कालूराम राजपुरोहित, युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव तथा समाजसेवी सुल्तान खान भाटी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान देश के लिए समर्पित होकर कार्य करने वाले कोरोना योद्धाओं को सेवा योद्धा सम्मान प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, सफाई कर्मचारी, विद्युत विभाग, भामाशाह, शिक्षा विभाग सहित को सम्मानित किया गया। वहीं राजपुरोहित ने हमेशा किसी भी आपदा आदि के समय गरीब असहाय लोगों आदि की मदद करने की बात कही। इस दौरान डॉक्टर राम सिंह राजपुरोहित, जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि जोगराज राजपुरोहित, रेवेन्यू इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह राजपुरोहित, कांस्टेबल वीरम सिंह राजपुरोहित, दिनेश सिंह राजपुरोहित, जब्बर सिंह राजपुरोहित, पारसाराम खीम सिंह राजपुरोहित, नवीन राजेश जैन, सुशील दवे, अक्षय त्रिवेदी, कुंपाराम लक्ष्मण सिंह, गौतम सिंह, जगदीश राजपुरोहित, पदम सिंह राजपुरोहित, बलवंत राज राजपुरोहित सहित ग्रामीण मौजूद रहे। इतनी आयु होते हुए भी अपने सेहत की परवाह नहीं करते हुए भी जो समाज में जो निरंतर सेवा देकर कार्य कर रहे हैं, उसके लिए हमें बहुत गर्व हो रहा है। और पर्यावरण में वृक्षारोपण करके इस संस्कृति की रक्षा करने के लिए हमारे सनातन संस्कृति में कहते हैं कि हमारे दाह संस्कार में 5 वृक्ष की लकड़ी लगती है, जीवन में हमने 1 वृक्ष नहीं लगाया। तो ये वृक्षारोपण के लिए, पर्यावरण रक्षा के लिए वृक्ष लगाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ऐसे महापुरुष को सम्मान पत्र देकर हमें बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है और मैं इनके शरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। आपके जो कार्य हैं उन कार्यों के बारे में मैंने यहाँ काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया के माध्यम से सुना है और आज मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि आपको मैं सेवा योद्धा सम्मानित करूँ। युवाओं का इस कोरोना महामारी में बहुत योगदान रहा है, इसलिए इन्होंने राष्ट्र के प्रति तन मन धन से समर्पित होकर कार्य किए, जिसके लिए इनको सेवा योद्धा सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। बहुत छोटे लगते हैं लेकिन इनके कार्य बहुत बड़े हैं। इनके जो कोरोना महामारी के समय जो राष्ट्र के हित के लिए, सहायता के हित के लिए जो कार्य, उन कार्यों को देखते हुए इस युवा को सेवा योद्धा सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया जा रहा है। ऐसा जिन्हें के दाता के सूर वीर नहीं तो रह जे बांझड़ी तू मती गमाजे दूर। तो ये भामाशाह, भामाशाह का मतलब क्या होता है? भामाशाह नाम का एक व्यक्ति था जिनके पास इतना धन खजाना था, लेकिन उन्होंने राष्ट्र की रक्षा हेतु उन्होंने कहा ये धन मेरे क्या काम आएगा, साथ चलेगा नहीं, इसलिए महाराणा प्रताप को सुपृत कर दिया और उन्होंने कहा कि राष्ट्र की और मेवाड़ की रक्षा के लिए आप सेना का गठन करें और इस राष्ट्र को और मेवाड़ को मजबूत बनाए। ऐसे ही कार्य हमारे ये सलीम भाई कर रहे हैं, सुल्तान भाई भाटी ये जो कार्य कर रहे हैं, जो ये सनातन धर्म और सर्वधर्म के लिए कार्य करते हैं, गरीबों के लिए और सब, कोई भी समाज सेवी या कोई भी संस्था इनके पास चंदे के लिए जाती है तो ये कभी गौ सेवा वगैरह सब कार्य करते हैं, तो ये किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। तो इनको और इनके माता पिता को मैं सच नमन करता हूँ कि आपने राष्ट्र के लिए इतने कार्य किया, जिसके लिए अखिल भारतीय युवा मोर्चा को आपके ऊपर बहुत गर्व है।